गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने मानों में गुणसूत्रीय विकृति वाला लेसन पढ़ा था और इसके साथ में अपन ने इस क्लास में अपन एक नया लेसन शुरू करते हैं। बेटा कौन सा? ये हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या है? तो इससे पहले आज सुबह की क्लास में अपने या पिछली क्लास में अपने किसकी बात की थी बेटा? न्यूक्लिक एसिड की बात की थी अपने, आनुवंशिक पदार्थ की अपने क्या की थी बेटा? बात। आज अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन क्या है? तो उत्परिवर्तन का अर्थ है बेटा जीवों में अकस्मात उत्पन्न होने वाले वे परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में क्या होते हैं बेटा, वसंगत होते हैं, ऐसे परिवर्तनों को अपन क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो जीवों में अकस्मात उत्पन्न होने वाले वे परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में क्या होते हैं? वसंगत होते हैं, ऐसे परिवर्तनों को ही अपन क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो विभिन्नताएं आप सबको पता है ना कितने प्रकार से की होती है? दो प्रकार। नंबर फर्स्ट कायिक विभिन्नताएं और एक जननिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं कौन सी थी? जो कायिक कोशिका के डीएनए में किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उन्हें अपन कहते हैं कायिक विभिन्नताएं। जो सामान्यतः वातावरण के कारण उत्पन्न होती है इसलिए वातावरण विभिन्नता भी कहते हैं। और जननिक विभिन्नताएं कौन सी होती है? जो जनन कोशिका के गुणसूत्रीय डीएनए में किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है तो वो विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में भी क्या होगी बेटा? वैसा होता। अब ये विभिन्नताएं जीवों में अकस्मात उत्पन्न हो और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो तो ऐसी विभिन्नताओं को अपन क्या कहते हैं? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। जो एक प्रकार की कौन सी विभिन्नता है बेटा? जननिक विभिन्नता है। कौन सी विभिन्नता है? जननिक विभिन्नता है। अब म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैं आपको डिटेल में हिंदी क्लास में भी पढ़ाया था। म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटा किसने? कौन से साइंटिस्ट थे? हुगो डी ब्रीज नामक साइंटिस्ट ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। वही हुगो डी ब्रीज जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले तीन वैज्ञानिकों में से एक। तो म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। हुगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक का एवनिंग प्रिमरोज पादप पर कार्य कर रहा था तो उस समय उस पादप में अकस्मात नए लक्षण क्या हो गया था? निर्माण हो गया था और वो नए लक्षण अगली पीढ़ी में क्या हो रहे थे? स्थानांतरण होते हैं। उन्हीं के लिए सबसे पहले हुगो डी ब्रीज नामक साइंटिस्ट ने म्यूटेशन शब्द का क्या क्या था उपयोग किया। अब जीवों में पाए जाने वाले इन म्यूटेशन को दो भागों में विभाजित किया गया था या जीवों में म्यूटेशन दो प्रकार
सा अगला क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। आज अपन इस क्लास में किसकी बात करते हैं ना, जीन म्यूटेशन की बात। अब जीन म्यूटेशन से पहले थोड़ा सा आपको याद करो बेटा, ये आपके पास क्या था, एक क्रोमोसोम था, इसके लिए तो क्या कहता क्रोमेटिक, और इन क्रोमेटिक में ये विशेष नाइट्रोजन बेस का क्या आ गया बेटा, करण आ गया जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। अब ये एक क्या हो गया बेटा, क्रोमेटिक, और ये क्या हो गया दूसरा क्रोमेटिक। अब कोशिका विभाजन के दौरान ये सेंट्रोमियर विभाजित होगा और क्रोमेटिक विपरीत ध्रुवों पर पहुंचेंगे और वहां जाकर ये किसी को ले जाएंगे बेटा, पुत्री गुणसूत्र में बदल जाए। याद आ रहा है आपको कोशिका विभाजन की बात करें। अब जीन म्यूटेशन का अर्थ क्या है, तो कोशिका विभाजन की या अपन यूं कह सकते हैं जब युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता था, अर्धसूत्री विभाजन। उस अर्धसूत्री विभाजन की इंटरफेस अवस्था की एस अवस्था में ऐसे उप अवस्था में डीएनए पर किसका निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं रेप्लिकेशन। अर्धसूत्री विभाजन की इंटरफेस अवस्था में डीएनए पर डीएनए का क्या होता है निर्माण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की यह प्रक्रिया सदैव कैसे होती है बेटा, त्रुटि रहित होती है, अर्थात कौन से रूल का पालन करके, एंटी पैरेलल रूल का पालन करके होती है। एंटी पैरेलल रूल का पालन करके रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है जो कैसे होती है बेटा, त्रुटि रहित होती है। लेकिन कई बार अर्धसूत्री विभाजन की इंटरफेस की ऐसे अवस्था में जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उस जीन के एक या एक से अधिक नाइट्रोजन बेस का प्रति समांतर रूल के अनुसार या प्रति समांतर रूल या एंटीपैरेलल रूल के अनुसार रेप्लिकेशन नहीं होता है जिसके कारण उस स्थान में नाइट्रोजन बेस का करण या नाइट्रोजन बेस क्या हो जाता था चेंज होता था या नाइट्रोजन युग्म क्या हो जाता था प्रति समांतर या एंटीपैरेलल रूल के
स्टेट अकॉर्डिंग रेप्लिकेशन नहीं होता और उसके स्थान पर दूसरा हाइड्रोजन है बेस का है। अब जीन में नाइट्रोजन बेस का विशेष करण ही उसकी मूल विशेषता है और उसमें क्या कर रहा है चेंज आ गया और उस चेंज आने के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है विभिन्नता या परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये परिवर्तन किसके कारण सेम जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण हुआ इसलिए ऐसे म्यूटेशन को अपन ने क्या कह दिया होगा जीन म्यूटेशन। कहने का मतलब क्या है तो इधर देखना ये आपके पास वो जीन है और जिसमें ये ए जी सी टी जी सी ए नाइट्रोजन बेस है और उसकी दूसरे डीएनए में क्या हुई है कॉपी हुई प्रति समांतर रूप के अनुसार जो डीएनए बनेगा उसमें नाइट्रोजन बेस का क्रम क्या होना चाहिए ए का अपोजिट टी जी का अपोजिट सी सी का अपोजिट जी टी का अपोजिट ए जी का अपोजिट सी सी का अपोजिट है जी ए का अपोजिट है। तब तो यहां रूल कौन सा रहेगा एंटी पैरेलल रूल का फॉलो होगा तब तो किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं आएगी और जब किसी कारणवश प्रति समानता नियम का पालन नहीं हो और कोई भी नाइट्रोजन बेस रिप्लेसमेंट यहां क्या करेगा जी और यहां क्या आ जाए टी तो इस स्थान का नाइट्रोजन बेस प्रति समांतर रूप का पालन नहीं कर रहा है तो उसके कारण अलग नाइट्रोजन बेस आ गया और अलग नाइट्रोजन बेस आने के कारण उस जीन ने क्या होता उस जीन जीन के कारण या उस परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो रही होगा विभिन्नता उत्पन्न हो रही है। तब इसे अपन किसमें साबित करेंगे म्यूटेशन में या उत्परिवर्तन में समझ सकते हैं। अब ये म्यूटेशन किसके कारण हो रहा है क्रोमोसोम की संख्या वैसी की वैसी है उस पर पाया जाता है जीनों की संख्या वैसी की वैसी है केवल क्या चेंज हुआ जीन के नाइट्रोजन बेस का करंट क्या होगा चेंज हो गया। अब जीन के नाइट्रोजन बेस के क्रम में चेंज होने के कारण विभिन्नता आ रही है इसलिए इस प्रकार के म्यूटेशन को अपन ने नाम का दिया गया जीन म्यूटेशन। क्या नाम हो गया जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन का दूसरा नाम है दूसरा नाम है देखा बिंदु परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन क्यों नाम दिया जीन क्रोमोसोम पर एक विशेष स्तर पर स्थित होते हैं एक विशेष बिंदु पर स्थित होते हैं और उसमें परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है उत्परिवर्तन हो रहा है या विभिन्नता उत्पन्न हो रही है इसलिए जीन म्यूटेशन का दूसरा नाम क्या दिया गया बिंदु उत्परिवर्तन। दूसरा नाम क्या दिया बिंदु उत्परिवर्तन। अब बिंदु उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन को फिर तीसरा नाम और दे सकते हैं बिंदु उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन में नाइट्रोजन जो सार है उसका युग्म क्या होता था बदलता है या एक दूसरे क्या करता है प्रतिस्थापित करता है जो नाइट्रोजन बेस जिस क्रम में आया चाहिए उसके स्थान पर कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस आ रहा है इसका मतलब एक नाइट्रोजन बेस का युग्म क्या हो रहा था प्रतिस्थापित हो रहा है इसलिए जीन म्यूटेशन का तीसरा नाम क्या दिया गया सारे
युग्म प्रतिस्थापन म्यूटेशन। जैसे यहां क्या था, जी था और आना क्या चाहिए था, सी, लेकिन आ क्या गया त्रुटि के कारण, टी। तो ये युग्म क्या था, एक दूसरे को क्या कर रहा है बेटा, प्रतिस्थापन कर रहा है, वेरिएबल संदेश है कि युग्म का प्रतिस्थापन गलत युग्म का प्रतिस्थापन हो रहा है, एंटीपैरेलल के रूट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इसका तीसरा नाम क्या दिया, साल युग्म प्रतिस्थापन म्यूटेशन। साल युग्म में प्रतिस्थापन जीन म्यूटेशन का अर्थ हो गया असूत्री विभाजन की के पालन के स्थान पर किसी कारणवश या त्रुटि के कारण दूसरे नाइट्रोजन बेस का रिप्लेसमेंट हो जाना ही क्या कहलाता है, जीन म्यूटेशन। दूसरा नाम हो गया बिंदु उत्परिवर्तन, तीसरा नाम हो गया क्षार युग्म प्रतिस्थापन म्यूटेशन। अब क्षार युग्म प्रतिस्थापन जो म्यूटेशन है उसको कई प्रकार से विभाजित किया गया। नंबर फैक्ट पहला प्रकार बनता है, तो यहां और लिखेगा टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। पहला पॉइंट बन रहा है ना ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का अर्थ क्या है, जब बिंदु उत्परिवर्तन में प्यूरीन नाइट्रोजन बेस किसी दूसरे प्यूरीन द्वारा रिप्लेस हो जाए या पिरिमिडीन किसी दूसरे पिरिमिडीन द्वारा रिप्लेस हो जाए, तो ऐसे म्यूटेशन को या बिंदु उत्परिवर्तन को या जीन म्यूटेशन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन बेस क्या था, ए, और उसके स्थान पर क्या आ गया होगा, तो प्यूरीन कॉम्पोजिशन की याद दो, ए और ए, पिरिमिडीन डीएनए के कौन से के बराबर, सी और ए, तो ए रिप्लेसमेंट बाई जी या जी रिप्लेसमेंट बाई ए, तभी प्यूरीन रिप्लेसमेंट बाई प्यूरीन, या पिरिमिडीन टी रिप्लेसमेंट बाई सी और सी रिप्लेसमेंट बाई टी, तो ऐसे बिंदु उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन को अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। जैसे कोई आप एग्जांपल देते हो, कोई डीएनए का जीन है या विशुद्ध का जीन है, इसमें नाइट्रोजन बेस का क्रम था ए जी सी टी जी सी, और उसके स्थान पर क्या पहुंच जाए संतति में बेटा, ए जी सी C G C, अब T रिप्लेसमेंट बाई C, T के स्थान पर क्या आ गया, त्रुटि बस C आ गया, तो T क्या है, पिरिमिडिन, और किससे रिप्लेसमेंट हुआ है, C साइटोसिन से, और साइटोसिन भी क्या है, पिरिमिडिन है, तो प्यूरिन रिप्लेसमेंट बाई प्यूरिन या पिरिमिडिन रिप्लेसमेंट बाई पिरिमिडिन, प्रकार के बिंदु उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। संधि में क्या आना चाहिए था, टी के स्थान पर टी आना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पर क्या आ गया बेटा, सी, इसका मतलब रेप्लिकेशन के दौरान त्रुटि होगी और उस त्रुटि के कारण
ट्रांजिशन मैट्रिक्स। दूसरा प्रकार बनता है बेटा ट्रांसवर्सल, दूसरा प्रकार बनता है कौन सा ट्रांसवर्सल। यदि पॉइंट रोटेशन में प्यूरिन रिप्लेसमेंट बाई प्यूरिन रिप्लेसमेंट बाई पिनिमिलिन या पिनिमिडिन रिप्लेसमेंट बाई प्यूरिन, तब इस प्रकार के म्यूटेशन को अपन क्या कहेंगे बेटा, या पॉइंट म्यूटेशन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे ए और जी, ये प्यूरिन हो गए बेटा और ये क्या हो गए पिरिमिडिन, कौन कौन से हो गए सी और ए। अब ए रिप्लेसमेंट बाय टी या ए रिप्लेसमेंट बाय सी या जी रिप्लेसमेंट बाय टी या सी या टी रिप्लेसमेंट बाय ए और जी या सी रिप्लेसमेंट बाय एडेनिन एंड ग्वानिन, तब इस प्रकार के म्यूटेशन को अपन क्या कहेंगे बेटा, ट्रांसवर्सल पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल पॉइंट म्यूटेशन। अब ट्रांसवर्सल पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल जैसे क्या था बेटा, ये जीन था ए जी सी डी जी सी ए, संगति में भी ये क्रम पहुंचना चाहिए था, लेकिन इसके साथ में मान लो कि ये क्रम होता है जीन में ए जी सी टी और जी के साथ में क्या होगा सी या टी सी ए, तो क्या होगा आप प्यूरिन कट पिरिमिडिन, तो प्यूरिन रिप्लेसमेंट बाई पिरिमिडिन या ओपोजिट के साथ इसमें जी के साथ में क्या लिया आपने सी लिया होगा, तो जी आपने पहले से रखा है, ए के साथ में क्या जाएगा टी आ जाए या ए के साथ में क्या जाए सी आ जाए, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दो या गहरा दिखा देना, तो वो क्या हो गया ट्रांसफर, कौन सा हो गया ट्रांसफर। तीसरा प्रकार बनता है बेटा फ्रेंडशिप म्यूटेशन का, क्या है जब किसी जीन में एक या दो नाइट्रोजन बेस की कमी हो जाए या उस जीन में एक या दो अधिक नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए, तो उसके कारण उस डीएनए से या उस जीन से बनने वाले एमआरएनए के जेनेटिक कोड की पूरी फ्रेम ही क्या कहते बेटा चेंज रहती है, इसलिए इस प्रकार के पॉइंट म्यूटेशन क्या कहते हैं फ्रेम सीक्वेंस म्यूटेशन। जैसे ए जी सी जी सी ए सी जी ए ए ए ए, ये कोई जीन का एमआरएनए है जिसमें ये पहला जेनेटिक कोड बन गया बेटा कौन सा ए जी सी, दूसरा कौन सा बन गया जी सी ए, तीसरा कौन सा बन गया सी जी ए और चौथा कौन सा बन गया बेटा ए ए ए। अब इसमें कहीं भी एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया
ए जी सी और यहां क्या हो गया बेटा ए एल हो गया, एडिनोसिन नाइट्रोजन बेस एड हो गया, तो बाकी क्रम तो उससे आगे के फ्रेंड देखो, पहला जेनेटिक कोड वैसा का वैसा रहेगा बेटा, दूसरा जेनेटिक कोड मूल जिनमें तो क्या था जी सी ए और क्या क्या बन गया ए जी सी, तीसरा क्या बन गया ए सी जे, जो सी जे था वो क्या हो गया ए सी जी, और तीसरा क्या हो गया ए ए, और आगे क्या बच गया ए। तो फ्रेंडशिप म्यूटेशन किसे कहते हैं, जब पॉइंट म्यूटेशन के दौरान एक या दो नाइट्रोजन बेस की कमी हो जाए या एक या दो नाइट्रोजन बेस एक्स्ट्रा जुड़ जाए, तो उसके कारण उस जीन से बनने वाले एमआरएनए के जेनेटिक कोड की पूरी फैमिली क्या कहते हैं बेटा चेंज हो जाती है, इसलिए इस प्रकार के म्यूटेशन क्या कहते हैं बेटा फ्रेंडशिप। अगला प्रकार बन जाएगा मिसेंस म्यूटेशन, जब पॉइंट म्यूटेशन के कारण जेनेटिक कोड ही क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, और जेनेटिक कोड भी चेंज होने के साथ साथ प्रोटीन का एमिनो एसिड भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, और उसके कारण यदि सिकल सेल एनीमिया जैसे घातक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे म्यूटेशन क्या कहते हैं म्यूटेंस कहते हैं। क्या कहा आपने, जब पॉइंट म्यूटेशन में जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है, और जेनेटिक कोड के चेंज होने के साथ साथ उस जेनेटिक कोड द्वारा कोडिंग होने वाला एमिनो एसिड भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, और उसके कारण सिकल सेल एनीमिया जैसे कोई घातक रोग उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे पॉइंट म्यूटेशन को क्या कहते हैं मिसेंस कहते हैं या मिसेंस पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे याद दो बेटा हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन या बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन छठे स्थान का एमिनो एसिड को कोडिंग करने वाला जेनेटिक कोड कौन सा था बेटा, कौन सा होता है जी ए जी, जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में छठे स्थान पर कौन से एमिनो एसिड को ग्लूटामिक एमिनो एसिड को क्या करता था कोडिंग करता, और पॉइंट म्यूटेशन के कारण यदि जीएजी है तो उसका ए रिप्लेसमेंट बाय किसके द्वारा हो जाएगा यू के द्वारा हो जाए, तो ए रिप्लेसमेंट बाय यू, तो जीएजी जेनेटिक कोड किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा जीयूजी, और जीयूजी कोडिंग करने लगता है किसका वेरी एमिनो एसिड, तो कौन सा रूप होता है बेटा सिकल सेल ए। तो यदि पॉइंट म्यूटेशन के दौरान जेनेटिक कोड ही चेंज हो जाए, और जेनेटिक कोड के चेंज होने के साथ साथ यदि उस स्थान का एमिनो एसिड भी चेंज हो जाए, तो उसके कारण यदि सिकल सेल एनीमिया जैसे कोई घातक रोग उत्पन्न हो जाता है, तब उसे अपन क्या कहते हैं बेटा मिसेंस पॉइंट म्यूटेशन। जैसे जब हो गया, फिर इसके पश्चात अगला आता है बेटा नॉनसेंस पॉइंट म्यूटेशन, जब पॉइंट म्यूटेशन के कारण सामान्य जेनेटिक कोड किसमें बेटा नॉनसेंस जेनेटिक कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे म्यूटेशन को या ऐसे पॉइंट म्यूटेशन को अपन क्या कहते हैं नॉनसेंस पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, जिसके कारण प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस ही वहां क्या हो जाती है अवरुद्ध हो जाती है। जैसे एग्जांपल हो आपके पास सुबह ही अपने चर्चा की थी जेनेटिक कोड किस नेचर के होते हैं, ट्रिपलेट नेचर के, कितने जेनेटिक कोड बनते हैं चार अक्षरों से
64 जेनेटिक कोड 64 में से UAA UGA UAG ये तीन ऐसे जेनेटिक कोड है जो किसी भी एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करते। अब यदि पॉइंट म्यूटेशन के कारण कोई जेनेटिक कोड जो किसी एमिनो एसिड को कोडिंग कर रहा है और पॉइंट म्यूटेशन के कारण किसी में बदल जाता है नॉनसेंस जेनेटिक कोड में बदल जाता है तो ऐसे म्यूटेशन को अपन की बात क्या कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं और उसके कारण वहां प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस रुक जाती है क्योंकि नॉनसेंस जेनेटिक कोड तो क्यों कहा अपन इसे क्योंकि ये किसी भी एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करते हैं और दूसरा नाम इसका नाम दिया गया था समापक जेनेटिक कोड भी कहा था क्योंकि ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को समाप्त करने का कार्य करते हैं अनुवादन का समाप्त करने का कार्य करते हैं जैसे मान लो मैंने कहा था जी ए ए जी ए ए जी सी सी जी ए सी ये किसी जीन का क्या था नाइट्रोजन रिस्पॉन्सकरण अब जीन रिप्लेसमेंट हो गया क्या किसके द्वारा यू के द्वारा तो कंडीशन क्या बनाएगी जी ए ए और यू ए ए जी सी सी जी ए सी अब यहां यू था क्या सॉरी जी था तब तो ये किसी एमिनो एसिड को कोडिंग करने वाला जेनेटिक कोड था और पॉइंट म्यूटेशन के कारण जी रिप्लेसमेंट हो गया किसके द्वारा यूरेसिन द्वारा और यूरेसिन द्वारा रिप्लेसमेंट हो गई इसमें कुछ हो गया बड़ा नॉनसेंस जेनेटिक कोड में किसी भी प्रकार के म्यूटेशन क्या कर दिया नॉनसेंस म्यूटेशन अब इस नॉनसेंस म्यूटेशन के कारण प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस भी क्या नहीं बढ़ा आगे नहीं बढ़े क्योंकि यहां आते ही क्या होगा समापक कोडोन आ गया और समापक कोडोन आते ही प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाएगा आउट पांचवा प्रकार सॉरी छठा प्रकार साइलेंट म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन का क्या है जब पॉइंट म्यूटेशन होता है उसके कारण जेनेटिक कोड में मान लो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है लेकिन उस संति के लक्षण प्रारूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रकार के म्यूटेशन को अपन क्या कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन जैसे स्पोर्ट्स रोगा ये कोई क्रोमोसोम है और ये इसका जीन था उसमें ए जी सी टी जी ये नाइट्रोजन बेस का कर्म और ये जीन किसका डिमांड करता है ग्रोथ हार्मोन का डिमांड करता है ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो न्यूक्लियोसोम में कौन सा उपक्रम होगा लंबापन क्या उपक्रम होगा लंबापन अब पॉइंट म्यूटेशन के कारण मान लो कंडीशन ये आ गई आपके पास ए जी सी सी जी आर अब ये भी किसका डिमांड करता है ग्रोथ हार्मोन का डिमांड करता है म्यूटेशन होकर राइटोसोम बेस का रिप्लेसमेंट हो गया लेकिन रिप्लेसमेंट के पश्चात भी वो ग्रोथ हार्मोन का डिमांड कर रहा है तो लक्षण प्रारूप में भी क्या उत्पन्न होगा बेटा लंबा प्रोत्पन्न होगा तो म्यूटेशन तो होगा लेकिन लक्षण प्रारूप में कोई परिवर्तन है नहीं आया ऐसे म्यूटेशन का कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे बेटा म्यूटेशन जीन म्यूटेशन की विशेषता। थैंक्स।